मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला मुझसे ही है। मैं मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। आपको कड़ी टक्कर कौन देने वाला है? ये तो वक्त बताएगा, अभी हम आपको क्या बता सकते हैं। एक चुनावी राजनीतिक एनालिसिस होता है। एक सुनिए, एक एक मैदान में 6 पहलवान आते हैं, एंड में तो आपको पता चलेगा जो जीता वही सिकंदर। अभी हम आपको क्या बता सकते हैं। मैं शिवसेना को, MNS को, कांग्रेस को डेफिनेटली मैं कड़ी चुनौती दूंगी। यहाँ पे है ही नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है भाजपा। राखी, चुनाव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है, कल चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा, तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन और आप लोगों की तरफ से आपने देखिए, हमने फॉर्म भरा है तो उसमें हमें 3 चुनाव चिन्ह मिलता है, एक है स्टिक और एक है कैची और एक मुझे मिला है हरी मिर्च। तो भाई जैसी मैं हूँ, मैं चुनाव चिन्ह भी वैसा ही लूंगी। राखी, जिस तरह से कमाल खान ने अपने ट्विटर पर कहा है कि राखी इस बार बहुत बुरी तरह से हारेंगी, उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्या जवाब देंगी? वो देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि वो अपने बारे में पहले जरा सोचें और अपनी फिक्र करें। मेरी फिक्र करने के लिए मेरी जनता है। ऐसा है, कल तक सब लोगों को ये लग रहा था कि राखी सावंत के पीछे शायद कोई है नहीं। आज सब लोगों तक ये संदेश पहुंच जाएगा कि उसके पीछे बहुत सारे ये हमारे दोस्त मित्र सब लोग मेरे साथ हैं। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं ये वो लोग हैं जो बिकने वाले नहीं है, जो गिरने वाले नहीं है। जहाँ पे ये कदम रख देंगे वो कदम आगे बढ़ेगा। मेरा मैं आपको चैलेंज देती हूँ, यकीन दिलाती हूँ कि मैं बहुमत से जीतूंगी, बहुत भारी वोटों से मैं जीतूंगी, ये मेरा कॉन्फिडेंट है, मेरा आत्मा कहती है मुझे। और हाँ, मैं राखी सावंत एंड पार्टी ये सब लोग मेरे साथ हैं और हम किसी को पैसा देके वोट डेफिनेटली नहीं लेंगे, नेवर। हम जनता के साथ चीटिंग कभी नहीं करेंगे। जी सर सॉरी, कम अगेन। पूरी भारी बहुमत से चुनाव जीतती है और अपने आप में सांसद बनती है, राष्ट्रीय आम पार्टी किसको समर्थन देगी? वक्त आने पर देखेंगे। किसी के साथ भी जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कहीं पे स्टैंप लगा है। देखेंगे, उस वक्त देखेंगे कि मैं किसे सपोर्ट करूंगी। ऐसे भी हम मुद्दों पे सपोर्ट करेंगे कि कौन जनता के लिए ज्यादा सोचता है। आज आपको क्या लगता है, किसकी लायकियत है अगर उसे